हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट का यहाँ पे लेसन प्लान, जो कि आप लोगों के लिए यहाँ पे काफ़ी दिनों से काफ़ी बच्चे यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इंग्लिश का क्लास नाइन्थ का लेसन प्लान लेके आइए, तो आज उन लोगों के लिए है ये वीडियो। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। यहाँ पे देखिए मेगा लेसन प्लान लिखा गया, यानी कि आप अपने फाइनल टीचिंग में भी इस टॉपिक को पढ़ा सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा। और डेली बेसिस पे अगर आप लोग लेसन प्लान की वीडियो देखना चाहते हैं, माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड कंटेंट देखना चाहते हैं, या फिर यूपी टेट, सी टेट या फिर सुपर टेट के से रिलेटेड कंटेंट देखना चाहते हैं, या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड फ्री में तैयारी करना चाहते हैं, तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के सारी नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो अब देर नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। मेगा लेसन प्लान सबसे ऊपर लिखना होता है, आपके कॉलेज वाले लेसन प्लान लिखने के लिए कहें तो सिर्फ लेसन प्लान लिखिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए जनरल इन्फॉर्मेशन है, जनरल इन्फॉर्मेशन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें मैंने ऐसे लिख दी। यहाँ से आपको लिखना है, आपको अपना नाम लिखना है, पीटी नेम, क्लास नाइन्थ है, सब्जेक्ट इंग्लिश का है, पीरियड यहाँ पे फिफ्थ है, सब सब्जेक्ट है पोएट्री, ड्यूरेशन 40 मिनट का है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपको डेट लिखना होता है, जिससे ये पता चलता है आपने किस डेट में कौन सी पार्टी योजना यहाँ पे लेसन प्लान पढ़ाई हुई है। और जो हमारा आज का टॉपिक है, द रोड नॉट टेकन है। नेक्स्ट इसके बाद आता है आपका प्लेस, यहाँ पे प्लेस लिखने की जरूरत नहीं होती, काफ़ी कॉलेज वाले लिखने के लिए कहते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने बॉक्स बना दिया है। नेक्स्ट आपका है कंटेंट एनालिसिस, इसमें देखिए है सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है। आफ्टर द रिकग्निशन ऑफ टचिंग स्पॉट इन द पोएम, स्टूडेंट्स विल बी मेड अवेयर ऑफ ब्यूटीफुल सिंबॉलिक एक्सप्रेशन। फर्स्ट इसमें है, वन शुड मेक देयर लाइफ डिसीजन स्विफ्टली एंड विद कॉन्फिडेंस। सेकेंड है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू से वेदर टेकिंग द अदर रोड वुड हैव बीन बेटर और वर्स। थर्ड है, टू रोड दैट रिप्रेजेंट टू और मोर चॉइसेस इन आवर लाइफ। उसके बाद अगली हेडिंग है एस्थेटिक एप्रिसिएशन, इसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट है सिग्निफिकेंट वर्ड्स, डाइवर्ज्ड, अंडरग्रोथ, फेयर, क्लेम, ग्रासी, वांटेड, वियर। सेकेंड है मेटाफर रोड, येलो वुड। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे रिपिटिशन, एजस इज रिपीटेड, टू रोड डाइवर्ज्ड इन अ वुड। दिस सेंटेंस इज रिपीटेड इन स्टैंजा 1 एंड 4। फोर्थ है यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स, जैसे यहाँ पे वुड है, वुड का कुड, बोथ, ग्रोथ, फेयर, देयर, क्लेम, सेम। फिफ्थ पॉइंट है राइमिंग स्कीम अबाव। सिक्स्थ है अल्ट्रेशन वॉन्टेड वीयर डब्ल्यू, साउंड इज रिपीटिंग। थर्ड यहाँ पे है जनरल ऑब्जेक्टिव्स, इसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट लिखा गया है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड राइट करेक्ट इंग्लिश। सेकेंड है टू इन यहाँ पे इनकलेट अ गुड एटीट्यूड टूवर्ड इंग्लिश एमंग स्टूडेंट्स। थर्ड पॉइंट है फॉर डेवलपिंग द लिंग्विस्टिक एबिलिटी एमंग स्टूडेंट्स एंड यूज इन देयर ओन लैंग्वेज और सिनोनिम्स। फोर्थ यहाँ पे टू क्रिएट इंटरेस्ट एमंग स्टूडेंट टू लर्न न्यू वोकैबुलरी। इसके बाद है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, नॉलेज ऑब्जेक्टिव्स में है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉल द थॉट गिवन इन द पोएम। सेकेंड है द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज द राइमिंग वर्ड्स। अगली हेडिंग है अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव्स, फर्स्ट इसमें पॉइंट है द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड अकॉर्डिंग टू द पोएम। सेकेंड है द स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम। थर्ड है ऑल्सो द स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द थीमेटिक कंटेंट ऑफ द पोएम। अगली हेडिंग है एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव्स, फर्स्ट पॉइंट है द स्टूडेंट विल बी एबल टू अप्लाई डिफिकल्ट वर्ड इन द डे टू डे लाइफ सिचुएशन। सेकेंड है द स्टूडेंट विल बी एबल टू मेक ओन सेंटेंसेस यूजिंग डिफिकल्ट वर्ड ऑफ पोएम। स्किल है इसमें, स्किल में देखिए लिखा गया द स्टूडेंट विल बी एबल टू डेवलप वेरियस लिंग्विस्टिक स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। फिफ्थ पॉइंट है इसमें टीचिंग मेथड्स में, फर्स्ट है लेक्चर मेथड, सेकेंड है डिस्कशन मेथड। सिक्स्थ पॉइंट है टीचिंग एड्स, इसमें पहला पॉइंट है जनरल एड्स में टेक्स्ट बुक, चॉक, डस्टर, पॉइंटर, ब्लैक बोर्ड और फिर चाक बोर्ड। सेकेंड इसमें पॉइंट है टीचिंग एड्स में, स्पेसिफिक एड्स में चार्ट, फ्लैश कार्ड, रोलर बोर्ड। नेक्स्ट है आपका प्रीवियस नॉलेज एज्यूम्ड, इसमें देखिए लिखा गया स्टूडेंट हैव सम नॉलेज अबाउट द टॉपिक, अबाउट दिस टॉपिक। एट्थ पॉइंट है प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग,
पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश लेसन प्लान। एक साइड आपको यहाँ पे दो कॉलम बनाने हैं, फर्स्ट कॉलम में पीटी एक्टिविटी, सेकंड कॉलम में स्टूडेंट एक्टिविटी। फर्स्ट क्वेश्चन, हैव यू रीड एनी पोएम? स्टूडेंट बोलेंगे यस मैम या फिर यस सर। सेकंड क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ पोएम डू यू लाइक मोस्ट? स्टूडेंट आंसर देंगे, वी लाइक दैट टाइप ऑफ पोएम विच हैज़ अ राइम स्कीम एंड राइमिंग वर्ड्स। थर्ड क्वेश्चन है, हैव यू सर्च्ड फॉर एनी पोएम इन योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक विच हैज़ अ राइम स्कीम? आंसर मिलेगा यहाँ पे बच्चों की तरफ से, यस मैम देयर आर मेनी पोएम इन आवर बुक। फोर्थ क्वेश्चन है, डू यू नो देयर इज अ पोएम ऑन द रोड इन योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक? फोर्थ का आंसर मिलेगा बच्चों की तरफ से, यस मैम या फिर यस सर। यहाँ पे यस मैम और सर वाला अपने हिसाब से कर लीजिएगा। इट सीम्स वेरी इंटरेस्टिंग। फिफ्थ क्वेश्चन है, हैव यू रीड दैट पोएम? तो स्टूडेंट की तरफ से आएगा नो रिस्पॉन्स, इसको स्टूडेंट आंसर इसका नहीं कर पाएंगे। कुछ बच्चे कहेंगे यस, कुछ बच्चे कहेंगे नो। जब ऐसे हो तो अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक आप करेंगे अपना, वेल स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी द पोएम द रोड नॉट टेकन। अब बच्चों को यहाँ पे स्टूडेंट्स को पता चल गया है कि आप उनको क्या पढ़ाने वाले हैं, तो उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको कहते हैं प्रेजेंटेशन हेडिंग। इसमें आपको टोटल चार कॉलम बनाने हैं, टीचिंग पॉइंट्स, पीपल टीचर एक्टिविटी, पीपल एक्टिविटी, ब्लैक बोर्ड वर्क और टीचिंग एड्स। इसमें टीचिंग पॉइंट में देखिए लिखा गया है, गिस्ट ऑफ द पोएम गिवन बाय पीपल टीचर। पीपल टीचर एक्टिविटी में देखिए लिखा गया है, द पीपल टीचर गिव द गिस्ट ऑफ द पोएम इन ब्रीफ। रेसिटेशन ऑफ द पोएम बाय द पीटी, यानी आपके द्वारा ये करा जाएगा, मतलब पढ़ा जाएगा इसको। द पीपल टीचर गिव फर्स्ट रेसिटेशन, पीटी डिस्प्ले चार्ट एंड क्रिएट्स एटमॉस्फियर फॉर द पोएम विद प्रॉपर स्ट्रेस राइम्स एंड इंटोनेशन। स्टूडेंट वाले कॉलम में देखिए लिखा गया है, लिसन केयरफुली एंड अटेंटिवली। सेकेंड यहाँ पे है आगे, यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ, सेकेंड रेसिटेशन बाय द पीपल टीचर, पीपल टीचर गिव सेकेंड रेसिटेशन ऑफ द पोएम विद प्रॉपर स्ट्रेस राइम एंड इंटोनेशन। स्टूडेंट वाले में लिखा गया है, लिसन केयरफुली। नेक्स्ट यहाँ पे है, रेसिटेशन ऑफ द पोएम बाय द स्टूडेंट। अब यहाँ पे बच्चों के द्वारा यहाँ पे पढ़ा जाएगा उसको, पीपल टीचर आस्क द स्टूडेंट टू रिसाइट द पोएम विद प्रॉपर स्ट्रेस राइम एंड इंटोनेशन। स्टूडेंट इसको रिसाइट करेंगे, रिसाइट द पोएम। नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे आप तो यहाँ पे फिर से थोड़ा जूम कर लेता हूँ, टीचिंग पॉइंट में है, देखिए मीनिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स। पीपल टीचर यहाँ पे डिफिकल्ट वर्ड्स की मीनिंग बताएगा बच्चों को। एक साइड यहाँ पे वर्ड लिख दीजिए, एक साइड यहाँ पे मीनिंग लिख दीजिए। डाइवर्ट, टू डेविएट इसकी मीनिंग है, वुड फॉरेस्ट अंडरग्रोथ बुशेस, जस्ट एज फेयर अट्रैक्टिव। पीपल टीचर वाले पीपल्स एक्टिविटी में लिसन केयरफुली एंड राइट डाउन ब्लैक बोर्ड वर्क पे ये सारी चीज़ें आप लिख दीजिए, वर्ड मीनिंग जो अभी आपने यहाँ पे बताया हुआ है। उसके बाद है राइम वर्ड्स, पीपल टीचर गिव द राइमिंग वर्ड्स, वुड गुड बोथ ग्रोथ फेयर देयर क्लेम सेम। स्टूडेंट राइट डाउन इन नोटबुक राइम वर्ड्स में, यहाँ पे इसको इस तरीके से आप थोड़ा सा स्टाइलिश कर दीजिए इसको, वुड गुड ग्रोथ बोथ ग्रोथ फेयर देयर क्लेम सेम। एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम, पीपल टीचर क्लेम एक्सप्लेन द पोएम विद द हेल्प ऑफ सिंपल इंग्लिश। स्टूडेंट लिसन केयरफुल्ली। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कंप्रिहेंशन क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे आप नीचे क्वेश्चन पूछेंगे। कंप्रिहेंशन ऑफ द पोएम, पीपल टीचर आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट है, वेयर डिड द टू रोड डाइवर्ज्ड? सेकेंड है, विच रोड वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर? थर्ड है, वाई वॉज द रोड ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर? स्टूडेंट रिप्लाई करेंगे इसका, यही सारे क्वेश्चन आप यहाँ पे बोर्ड पे लिख दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे अब आपका प्रेजेंटेशन यहाँ पे स्टॉप करिए अपना, अब यहाँ पे आपको जनरलाइजेशन करना है। वेल स्टूडेंट्स टुडे वी हैव स्टडीड द पोएम द रोड नॉट टेकन, इट वर्ड मीनिंग राइम स्कीम वोकैबुलरी राइमिंग वर्ड्स। रिकैपिटलाइजेशन है, द पीपल टीचर evaluates the student by asking some question. First question है, what is the meaning of the word diverged? Second question है, what is the rhyming word fair? Tell about the rhyming scheme in first stanza of the poem. Fourth question है, यहाँ पे आपको right wrong बताना है। The man had chosen the easiest way. आप जब पढ़ाए होंगे ये सारी चीज़ें explain करे होंगे क्लास में, तभी आप बता पाएंगे। तो इस चैप्टर को जरूर पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा बच्चों को पढ़ाने से पहले।
सेकेंड है द डिफिकल्ट वे वॉज ऑफ स्पिरिचुअलिज्म. थर्ड है द पोएट डिड नॉट वॉन्ट टू चूज द सेकेंड रोड. नेक्स्ट लास्ट आपका हेडिंग है होमवर्क. बच्चों को होमवर्क जरूर दीजिएगा जिससे आपके द्वारा पढ़ाए गए चीज़ों को बच्चे घर पर जाकर रिवाइज कर सके, और रिवाइज करेंगे तभी रिवाइज करेंगे जब आप उनको होमवर्क देंगे कुछ करने के लिए, नहीं तो बच्चे हैं वो तो भूल जाएंगे घर पर जाके, और रिवाइज करेंगे तो आपने जो पढ़ाया उसको वो रिकॉल करेंगे और उनको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी. यहाँ पे होमवर्क में फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द समरी ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन. सेकेंड क्वेश्चन है राइट अ पैराग्राफ अबाउट द लेसन यू हैव लर्न फ्रॉम दिस पोएम. तो ये था दोस्तों आज का लेसन प्लान. इस लेसन प्लान के PDF आपको रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल फ्री मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं. और वीडियो अच्छी लगी हो, आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए. तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, वंदे मातरम.